इंटरफेस देख रहे होंगे वीएस कोड का, और उसका कलर मैंने जो है वो टाइटल बार का कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, और किस तरीके से किया है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सटेंशन है विजुअल कोड के अंदर जिसको हम गो थ्रू कर रहे हैं। आप एक्सटेंशंस पर आएंगे और यहाँ पर आप पीकॉक लिखेंगे, ठीक है, नाम बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनने में। सो पीकॉक लिखने के बाद देन यू कैन इंस्टॉल इट, और इसके ज़रिए आप ये सारे कलर जो आपको पीकॉक के में लोगो में दिख रहे हैं इस तरीके की विंडोज़ में चेंज कर सकते हैं। करना क्या है, सिंपल F1 प्रेस करना है फ्रॉम द कीबोर्ड, देन यू कैन सर्च हियर, टॉप पर आ रहा है पीकॉक चेंज टू अ फैब्रिक कलर, सिंपल। ये देखें आपको अपनी विंडो का कुछ कौन सा कलर चाहिए, आप उस कलर को यहाँ से सेलेक्ट करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दे आर दी डिफरेंट डिफरेंट वे जिसके ज़रिए आप अपनी विंडो को डिफरेंट कलर्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और यही चीज़ आप अगर VS कोड के 3 से 4 विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो आप उन चारों का इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस एक्सटेंशन, ज़रूर चेक करके बताएगा कि आपको कैसी लगी।